हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी के यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए MIUI 9 विथ नोगट Redmi 3S का जो भी आपके पास मॉडल है उसके लिए लाया हूँ। अभी मेरे पास Redmi 3S Prime है, तो यहाँ पर मेरे पास Android 7.1.2 नोगट जो आप कहते हैं वो इंस्टॉल है। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये दूसरा वाला अपडेट है। जो पहला वाला अपडेट था वो मैंने अपनी चैनल पे पोस्ट किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर MIUI का जो वर्जन दिखा रहा है वो MIUI 9 ग्लोबल 7.9.22 बीटा वर्जन है। तो यहाँ पर जो पहली वाली चीज हमने देखने को मिलती है वो ये है कि इस पे अभी वोल्टी वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो डेवलपर है उसने कहा है कि वो जल्दी जैसे ही उससे बनता है वो इसका फिक्स अपलोड कर देगा। तो जैसे ही मुझको फिक्स मिलता है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा उसका वीडियो बना के। और दूसरी वाली जो चीज़ है वो ये कैमरा, तो यहाँ पर वो शायद अभी नहीं वर्क कर रहा है। कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी ये वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो MIUI 8 का जो पोर्ट कैमरा पोर्ट ऐप है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको TWRP से फ्लैश कर दीजिएगा और आप कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी वाली जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इस पर फिंगरप्रिंट अभी वर्क कर रहा है और तरह से वो काम नहीं कर रहा है। रिस्टार्ट हो जाने के बाद ये फिंगरप्रिंट है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो जल्दी उसका भी फिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही है इस रोम में ठीक तरह से। बाकी की जो चीज़ें है वो ठीक तरह से वर्क कर रही है। और दोस्तों, इस पे स्प्लिट स्क्रीन मोड जो हमें MIUI 9 ऑफिशियल पे नहीं मिल रहा है वो भी इस पे है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मोड मेरे पास है Redmi 3S Prime पे। तो दोस्तों, इस पे गूगल प्ले स्टोर और जी एप्स सही तरह से वर्क कर रहे हैं, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसका भी फिक्स फाइंड कर लूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और जैसे मुझको अगले अपडेट की खबर मिलती है मैं आपको बता दूंगा।